नहीं लभ्या हुसन पंजाब जिहा ना फुल ते ना फुलकारियां ने ते यार मिलिया नहीं यार लई मरन वाला झूठे प्यार ते फोकियां यारियां ने जंग इश्क दी होवे जां दुश्मनी दी ते मल्लां तुसां पंजाबियां मारियां ने ते बरार ने घुमली कुल दुनिया सच्ची विच पंजाब सरदारियां ने सच्ची विच पंजाब सरदारियां। सत श्री अकाल जी, मैं हां तुहाडा दोस्त जगमीत बराड़ ते जी अज ऐसे एक पंजाबी एक्टर की बायोग्राफी लेके आए हैं जिहड़ा पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री का बब्बर शेर आ, जिन्हां दा एक एक डायलॉग छोटे बच्चे तो लैके बजुर्गों की जबान ते। हाँ जी, मेरी मुराद है गग्गू गिल। सो दोस्तों, अज आपां गग्गू गिल साहब की पूरी बायोग्राफी, उन्होंने फिल्मी करियर विच किदां एंट्री की, उन्होंने परिवार बारे, उन्होंने फिल्मों बारे, उन्होंने अवार्ड्स बारे, हॉबी बारे पूरी गलबात करांगे। सो तुसीं इस वीडियो नूं शुरू तो लैके एंड तक देखते रहो, क्योंकि आपां काफ़ी इंट्रस्टिंग गल्लां करांगे उन्होंने जीवन बारे। ते उस तो पहला दोस्तों, जेकर तुसी अपना चैनल बॉली हॉली बाबा अजे तक नहीं सबसक्राइब किया तो इस वीडियो के नीचे जो रैड कलर का सबसक्राइब का बटन आ रहा, प्लीज़ उसते अपना एक प्यारा जहा मिठा जहा क्लिक करके अपना चैनल जरूर सबसक्राइब कर लो। अपना बॉली हॉली बाबा नाम का फेसबुक पर पेज बनया, प्लीज़ उन्होंने भी जरूर लाइक कर लियो। सो दोस्तों, मैं तुहानू दस देवा कि इस वीडियो की फरमायश पीयरसन स्पैक्टरे नवजोत सिंह कुलविंदर सिंह गिल इन्होंने की सी। सो ये वीडियो देख रहे होने तो खुश होने, वीडियो में ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर तो लाइक कमेंट जरूर करेंगे। सो दोस्तों, हुण तुहाडा ज़्यादा टाइम ना लेंदे हुए हुण आपां गग्गू गिल साहब के जीवन पर एक झात मारते हैं। गग्गू गिल का जन्म 13 फरवरी पिंड माणीखेड़ा मुकसर सरदार सरजीत सिंह गिल के घर होया, जो कि पिंड के सरपंच सन। ते उन्हां दे चार भरा ते सिस्टर्स ने, उन्हां दे सब तो वड्डे भरा दा नाम है भुपिंदर गिल, जो कि वह भी पिंड दे सरपंच रहे। फिर दविंदर गिल, रुपिंदर गिल ते सब तो छोटे ने गग्गू गिल साहब। सो दोस्तों, ये उन्हां दा परिवार की गल। ते उन्हां दा जिहड़ा पूरा नाम है, फुल नेम है, वह है कुलविंदर सिंह गिल। पर दोस्तों, पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में ज़्यादातर लोग उन्होंने गग्गू गिल के नाम नाल ही जानते हैं। गग्गू गिल साहब की मैरिज तो बाद उन्होंने घर दो सपुत्रां ने जन्म लिया। उन्होंने वड्डे बेटे का नाम है गुर अमृत गिल, जिसनों पंजाब का सब तो छोटी उम्र का जरा सरपंच बन का माण भी मिलया है। वह उस समय सिर्फ 22 साल के सी जदों वह पिंड के सरपंच बने। तो उन्होंने जरा छोटा बेटा है वह नाम है गुरजोत गिल। सो दोस्तों, एक उन्होंने गग्गू गिल साहब ने इंटरव्यू भी शेयर किया कि उन्होंने मन की दिली रीझ आ कि उन्हों का बेटा जरा गुरजोत गिल भी फिल्मों के अपना जोर दिखावे, तो वह उन्होंने तैयार भी कर रहे हैं फिल्मों लिए। सो दोस्तों, इस तो बिना गग्गू गिल साहब 1981 तो लैके इस पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो मैं थोनों उन्होंने फिल्मों में एंट्री की जी है एक स्टोरी जरूर सुना दें कि उन्हों का परिवार का कोई वाह वास्ता नहीं सी पंजाबी फिल्मों नाल, पर उन्हों का जिहड़ा ब्रदर सी दविंदर गिल उहदा दोस्त सी बलदेव सिंह खोसला, जिहड़ा उन्नी दिनी फिल्मों में काम करते सी। तो उन्होंने अपने दोस्त नू बलदेव सिंह खोसला नाल जो उन्होंने मुलाकात हुई दविंदर की, तो उन्होंने कहा कि आप फिल्म बनाने हैं। तो बलदेव सिंह ने माणीखेड़ा विखे आ के पुत जट्टां दी फिल्म आ जिहड़ी उह शूट करन दा फैसला लिया। तो गग्गू गिल साहब उस समय छोटी उम्र के सी, तो उन्होंने कहा कि असी अपने जिहड़े कुत्ते रखने का शौक जिहड़ा गिल साहब नू शुरू तो ही सी, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं अपने जिहड़े कुत्ते आ उह फिल्म दे विच दिखाउणा चाहुंदा। तो इस ते जिहड़े फिल्म दे डायरैक्टर साहब सी उन्होंने कहा कि असी तैनू इक डायलॉग दिंदे आ, तू वह भी बोल के दिखा। तो वह डायलॉग सी, लै भी जंगीरिया पिछले साल का बदला लै लिया साढ़े कालू ने। पर जिहड़ा ये डायलॉग उन्होंने फिल्म दे विच बोलिया, इसनों दर्शकों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिता। तो इस तो बाद ही फिर उन्होंने जी अपनी पहली फिल्म मिल गई सी एज ए विलन, जिहड़ी कि गुरदास मान साहब के ओपोजिट सी गभरू पंजाब का। इस फिल्म लई फिर बाई नूं बेस्ट विलन का अवार्ड भी मिलिया सी। सो दोस्तों, इतों ही फिर उन्होंने फिल्मी सफर शुरू हो गया। गग्गू गिल साहब ने किसी तो नहीं सीखा, उन्होंने अपनी एक्टिंग नूं इसे तरह ही हौली हौली काम करके निखारिया। तो दोस्तों, इस तो बाद उन्होंने होर भी फिल्मों में काम किया, जिवें एक सीगी कुरबानी जट दी जिहड़ी धर्मिंदर नाल फिल्म आई सी, उहदी दूजी फिल्म सी इह। तो बहुत वड्डी गल सी कि बॉलीवुड दे स्टार नाल फिल्म करनी। फिर उस तो बाद अणख जट्टां दी, फिर बदला जट्टी दा, जट जौणा मोड़, जैलदार, जट दे जमीन, बागी सूरमे, मिर्जा जट, वैरी मुकद्दर, ट्रक ड्राइवर, ललकारा जट्टी दा, जंग दा मैदान, प्रतिज्ञा,
जट बॉयज पुत जटा दे सो ये काफ़ी उन्होंने फिल्मा कीतियां ते उन्होंने जिहड़ियां पंजाब दियां नामवर एक्ट्रेस सी उन्हां नाल भी काम किया उस समय ने जिवें दलजीत कौर उपासना सिंह प्रीति सपरू कृति सिंह मनजीत कुलार रविंदर मान इन्हां नाल उन्होंने काम किया सो बहुत वड्डी गल सी। उन्होंने जे आपां अवार्ड्स की गल करिए ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬੈਸਟ ਵਿਲਨ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ 1986 ਵਿੱਚ ਗੱਭਰੂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਈ, ਫਿਰ ਬੈਸਟ ਹੀਰੋ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਟ ਜੌਣਾ ਮੋੜ ਲਈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਅਵਾਰਡ ਐਟ PTC ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਅਵਾਰਡ 2013 ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟਿੰਗ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਲੋਗ ਆ ਉਹ ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਤੁਰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੈਂਟ ਸਟਾਈਲ ਆ, ਘੈਂਟ ਗੱਭਰੂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੇ ਗਾਣੇ ਵੀ ਗਾਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਰਸ਼ਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਹੋਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ੌਂਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਆ, ਘੋੜੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਆ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੰਦੂਕਾਂ ਬਹੁਤ ਰੱਖੀਆਂ ਘਰੇ, ਪਿਸਤੌਲ ਬੜੇ ਰੱਖੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਆ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਂਡ ਮਾਇੰਡ ਲਿਵਸ ਇਨ ਏ ਸਾਊਂਡ ਬਾਡੀ, ਕਿ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਦਿਮਾਗ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਬਾਈ ਨੂੰ ਕਸਰਤ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਈ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਕਸਰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪਕਮਿੰਗ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਫਿਲਮ ਹੋਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਆਖਰੀ ਵਾਰਸ, ਇਹ ਫਿਲਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗੀ, ਜਲਦੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਦੋ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ 65 ਤੋਂ 70 ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਿੱਟ ਰਹੀਆਂ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੋਸਤੋ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣਾ ਬੋਲੀ ਹੋਲੀ ਬਾਬਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਪੇਜ ਬਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਹੂੰਗਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਬੋਲੀ ਹੋਲੀ ਬਾਬਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜਾ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਗੱਗੂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਬਖਸ਼ੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਫਿਲਮਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਡਾਇਲੋਗਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।